Hello everyone, I am Mayank Jain from Lexis and Company. Today we are discussing on the topic abatement. Most of the people have problem, even law students, there's so many law students who have confused the actual meaning of abatement. Okay, I cleared all the things related to abatement. Okay, abatement is defined under the section 107 of IPC 1860. Okay, what actually abatement means? Okay. And if I'm talking about the ways through amendment can be done, everything will be covered in this video. Okay, first, abatement means where you are not doing any offense, but you are instigating or you are pushing the other person to commit that offense. Okay, it means you have an intention to kill third person, but you are not directly killing that person. You are just taking a other person's help to killing that person. Okay, that means you are abetting. Matlab, if you are instigating, then you are instigating that person that killed that third person because you have grudges for from that third person. Okay, so whatever, whenever I instigating and whenever I push a person to kill third person, okay, I have intention to kill third person, so I'm not directly killing the third person, I'm just using second person to kill that third person, okay, by instigating and by we discuss the ways we can do abatement. Okay, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अबेटमेंट का क्या मतलब है. अबेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी 1860. ओके, अबेटमेंट मींस जहां पे आप डायरेक्टली किसी को किल नहीं करते, यू यूज द सेकंड पर्सन, आप सेकंड पर्सन के थ्रू थर्ड पर्सन का किल करवाते हो. लाइक इफ आई एम टेकिंग अ एग्जांपल, दाऊद अब्राहम. ओके, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट टेकिंग दाऊद अब्राहम एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल जहां पे द पर्सन गिव सुपारी. लाइक सुपारी इज नॉट अ गुड वर्ड, बट इट कैन डिनोट एंड एक्सप्लेन यू बेटर कि जहां पे आपने किसी को सुपारी दी कि उसको मार या, बट उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, उसने या इंटेंशन कह लो कि थ्रू मनी इंटेंशन क्रिएट हो गई. ओके, जहां पे आपने किसी को इंस्टिगेट किया, किसी को आपने पैसे दिए कि आप उसको मारा और वो उसने आपके कहने पे मार दिया. ठीक है, जितना वो ऑफेंड का जिम्मेदार है उतना आप हो. ओके, अमेंडमेंट की पनिशमेंट इज नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी. ओके, इट सेज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट ऑफ अमेंडमेंट, इट सेज दैट व्हाटएवर द ऑफेंस इज कमिटेड थ्रू अबेटमेंट, सेम पनिशमेंट इज गिवन टू अबेटर. अबेटर मीन्स हु अबेट द अदर पर्सन. ओके, अबेटर इज टर्म फॉर दोज फॉर दैट पर्सन हु इंस्टिगेट, हु प्रोवाइड एड to second person to kill third person. Okay, abettor. So if I'm talking about the punishment of abetment is equal the offense is committed and instigated by the abettor. Okay, not committed but instigated or aid. I'm just if I'm talking about, I discuss the ways through which we can abet the person to commit an offense. Okay, punishment आपको समझ में आ गई होगी, वही punishment, equal punishment है जो offense जिसने commit किया है और उसको जो punishment मिलेगी, same punishment एक abettor को मिलेगी जो abetment करेगा. Okay, okay. Let's start with the ways the person can abet. Okay, for the offense, या abet कर सकते हैं offense के लिए. First is instigating. आप किसी एक person को उत्साह रहे हो, आप किसी एक इंसान को कह रहे हो कि आप उसको उत्साह रहे हो कि उसको मार दे, ठीक है, टू किल दैट थर्ड पर्सन. उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, वो तुझे मारने की सोच रहा है, उससे पहले वो तुझे मारे, तू उससे मार दे. आई एम जस्ट इंस्टिगेटिंग डायरेक्टली. इंस्टिगेटिंग डायरेक्ट होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली उसे ये कह रहा हूँ कि उसे मार दे, यू शुड किल दैट पर्सन. ठीक है, अब मैं कुछ और कह रहा हूँ कि उसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि तू उससे जाके मार दे इसके, इन चीजों को लेकर. ठीक है, तो ये क्या था, ये डायरेक्टली आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग द पर्सन टू किल दैट थर्ड पर्सन. और उसने मेरी बातों का ये मतलब निकाला कि उसे मार देना चाहिए, तो उसने मार दिया. तो आई एम नॉट अबेटर, आई एम नॉट अबेटिंग टू किल द पर्सन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग समथिंग कि उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया.
ठीक है, अब जहां मैं डायरेक्टली उससे ये कहता हूँ कि यस यू शुड किल दैट थर्ड पर्सन, तो वहां पे इंस्टिगेशन आ जाएगा, अबेटमेंट आ जाएगा। सेकंड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी जहां पे आप उसके साथ मिलके क्या कहते हैं, आप उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आप उसके साथ प्लान बना रहे हो, एग्जीक्यूट वही कर रहा है बट आप उसके साथ मिलके प्लान बना रहे हो टू किल दैट थर्ड पर्सन। लाइक सपोज करो कि एक रूम में आप दोनों ने डिस्कस किया, आपने एक प्लान बनाया कि ये प्लान बनेगा, इसको ऐसे मारना है, ठीक है, जब यहाँ से ये गुजरेगा तो आप इसको चाकू मार देना। तो आपने कॉन्स्पिरेसी तो साथ में क्रिएट की, ओके, लेकिन किल उसने किया, तो आपको आप एज अबेटर या अबेटमेंट के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी सेम मर्डर की, क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया वो मर्डर था, सेम जो उसने ऑफेंस किया उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी मर्डर की, ठीक है, 302 के उसमें। ओके, थर्ड इज दैट, ओके, थर्ड कॉन्स्पिरेसी हो गया, इंस्टिगेशन हो गया, थर्ड इज दैट एडिंग। ओके, अब कि थर्ड मैंने किसी को कहा कि उसको जाके मार दे, ये ले चाकू, आई एम जस्ट एडिंग दैट पर्सन, ठीक है। अब उसने कहा, या सपोज करो एक सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन को इतना गुस्सा आ रहा है उस, ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट पे है वो, और आपने उसको चाकू पकड़ा दिया, उस मोमेंट में उसने उसे चाकू मार दिया और आपको पता था वो हीट ऑफ द मोमेंट पे, और स्टिल आपने उसे एडिंग दी टू किल द पर्सन एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि उससे वो मार देगा उसे, तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, इन द एडिंग आप किसी को बंदूक दे रहे हो, या आप किसी को चाकू दे रहे हो, या आप कोई सी भी एड मदद कर रहे हो, गाड़ी दे रहे हो कि उसको गाड़ी के अंदर, या कन्फाइन करने के लिए आपने अपना घर दे दिया, तो इट्स ऑल अबाउट अबेटमेंट, ठीक है। तो ये सब अबेटमेंट में आते हैं। देयर आर थ्री वेज जो हमने डिस्कस किया, इंस्टिगेट, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, एंड थर्ड इज एडिंग। ओके, देयर आर थ्री वेज यू कैन अबेटमेंट, जो अबेटमेंट करता है उसे कहते हैं अबेटर। ओके, अबेटमेंट की कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं है, अबेटमेंट में जो पनिशमेंट कहा गया है वो ये कहा गया है, जो भी ऑफेंस होगा, ठीक है, अबेटमेंट के थ्रू वही पनिशमेंट उसको मिलेगी, ठीक है, सेम पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी, जो भी वो अबेटर के इंस्टिगेशन या कॉन्स्पिरेसी या एडिंग के थ्रू कोई भी क्राइम होगा, सेम पनिशमेंट उसे मिलेगी जो भी ऑफेंस अकर्ड होगा। ओके, अबेटमेंट अगर मैं बात करूं, आपको अबेटर समझ में आ गया, अबेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, एंड जो अबेटमेंट करता है उसे अबेटर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पनिशमेंट आपको क्लियर हो गई है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अबेटमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स में अपने डाउट मेंशन करें कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं अबेटमेंट को लेके, क्या क्या आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, रेफरेंस लें इंडियन पिनल कोड का, बेयर एक्ट का रेफरेंस लें और मुझसे कमेंट पे पूछे। ओके, एंड शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।